ओम या श्री स्वयं सुखितेनाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृत दयाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सदाम कुल जन प्रभव सलज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आपकी राशि के अनुसार से हम आपको बताने वाले हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सितंबर के मध्यकाल में क्या कुछ ग्रहों का खेल आपकी जिंदगी में होने वाला है। देखिए, ग्रह तो बदलते ही रहते हैं, लेकिन सितंबर में जो परिवर्तन हो रहा है वो कन्या राशि वालों के लिए बहुत विशेष है। कन्या राशि के स्वामी बुध अस्त हो जाएंगे, कन्या राशि में सूर्य आ जाएंगे, कन्या राशि से ही शुक्र निकलकर अपनी राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यानी बड़ी उठापटक वाली राशि रहने वाली है, और आप समझें कि आपके लिए कई मामलों में अच्छा भी है ये समय। यदि आप कई रूप से इस चीज़ों को समझने का प्रयास करें, चिंता ना करें, बुध अस्त होंगे लेकिन आपके लिए शुभ है अशुभ नहीं है। सूर्य का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन, ये सब कुछ ना कुछ नया करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छे से योग बनाता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में बृहस्पति का पूर्ण सपोर्ट आपके लिए मिला ही हुआ है। 18 तारीख बुधवार का अवसर, और इस दिन पूर्णिमा का योग है जो करीब करीब 8:13 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा का आगमन हो जाएगा, और एक विचित्र स्थिति यह है कि प्रतिपदा अगले दिन सूर्योदय से पहले क्षय हो रही है। श्राद्ध में एक तिथि का क्षय होना ये अच्छा लक्षण है, बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है कि श्राद्ध की प्रतिपदा क्षय हो जाए तो ये अशुभ नहीं शुभ मानी जाती है प्रतिपदा। वैसे तो किसी महीने की तिथि यदि आरंभ क्षय से हो वो महीना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन श्राद्ध की तिथि क्षय होना शुभ माना जाता है, वृद्धिकारक योग बनता है, अच्छा योग बनता है इसमें। इस दिन चंद्र ग्रहण भी है, वो भी बताएंगे आपको। इसके ठीक 15 दिन बाद दूसरा ग्रहण भी पड़ेगा, तो क्या होगा विशेष तौर पर आप जब हम बात करें कन्या राशि वालों की, कन्या राशि पर बिल्कुल आपके सम्मुख ये ग्रहण पड़ने वाला है। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग भी है। मीन राशि में सुबह सुबह चंद्रमा का परिवर्तन होगा, ये आपके लिए बड़ा उपयुक्त दिखाई देता है, नई शक्ति का सृजन करने वाला है। तुला राशि में विशेष तौर पर समझे शुक्र का प्रवेश होने जा रहा है, लग्न से हटकर शुक्र आगे तुला द्वितीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, ये भी आपके लिए अच्छा ही है। और आपकी कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बनते दिखाई दे, हिम्मत जागेगी तो बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, सूर्य का परिवर्तन जो हो चुका है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एग्रेशन, केवल आप ही आप हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करके लोग भाग जाएंगे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। प्रतिपदा क्षय है, लेकिन प्रतिपदा का क्षय जो होने के कारण से ये इस दिन श्राद्ध इसी दिन किया जाएगा, यानी एकम का जो श्राद्ध है, प्रतिपदा का जो श्राद्ध है, पहला जो पहली तिथि का जो श्राद्ध है वो 18 तारीख को ही रहेगा। रही बात ग्रहण की, तो ग्रहण जहाँ होता है उसका प्रभाव होता है, तो जिन क्षेत्रों में ग्रहण पड़ रहा है वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन विशेष तौर पर ये समझें कि कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण का प्रभाव भारी है, पारिवारिक जीवन में कष्ट उत्पन्न करने के योग बना सकता है ये ग्रहण। ध्यान से, शांति से, ऐसे में ग्रहण के निष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए आपकी राशि के अनुसार से आपको कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत दिखाई देती है, वो अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। अच्छा होगा कि आप इस ग्रहण को शांत करने के लिए, प्रभाव को शांत करने के लिए कुछ खास उपाय करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, पूरे ग्रहण काल में यदि इसका जप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ यदि आप अपने इस समय में आपकी राशि के अनुसार से आपको हरी चीज़ों का दान करना चाहिए, साबुत मूंग का दान हाथ लगा रख दीजिए, किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और गऊ के निमित्त नहीं तो गाय को भिगो के डाल दीजिएगा अगले दिन सुबह, हाथ आगे निकाल के रख देना, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये चंद्र ग्रहण जो है विशेष तौर पर हमें समझना चाहिए, मीन राशि में पड़ने वाला चंद्र ग्रहण है, और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इसका प्रभाव भी बड़ा विचित्र होगा। और जिन राशि में चंद्र ग्रहण पड़ता है उनको बहुत सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण पड़ेगा वो तो है ही है, मीन राशि में जो ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये ग्रहण जो है भारत में अदृश्य है, लेकिन ईरान, इराक, पूरे यूरोप में, अमेरिका में ये ग्रहण पड़ेगा। और इसके 15 दिन बाद दूसरा ग्रहण भी पड़ेगा, सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा विशेष तौर पे, वो भी ध्यान रखने वाला 2 अक्टूबर को पड़ेगा। तो ये दोनों के दो जो ग्रहण पड़ रहे हैं विशेष तौर पे दिखाते हैं कि कहीं ना किसी राज्य में कोई बहुत विशेष तौर पे घटना घट सकती है। और आप देख ही रहे हैं इस वक्त विशेष तौर पर ईरान, इराक, पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर जो हाल चल रहा है वो बड़ा भयावह है, यही स्थिति दिखाती है। प्राकृतिक आपदाओं का योग भी बन सकता है इस समय में, कुछ भयावह स्थिति बन सकती है। तो जो भी कार्य कर रहे हैं हम सावधानी से कार्य करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं कि रेल इत्यादि की, वायु इत्यादि की दुर्घटनाएं होने के योग भी दिखाई देते हैं, उठापटक का माहौल रहेगा, लेकिन भारत में ये ग्रहण अदृश्य है तो इसके लिए ज़्यादा चिंता की ज़रूरत है नहीं। लेकिन यूरोप इत्यादि, अमेरिका इत्यादि में 2 ग्रहण पूरे मिडिल ईस्ट में जो पड़ रहे हैं 15 दिनों के अंदर में, ये स्थिति अच्छी नहीं दिखाई देता, और वहाँ पर कहीं ना कहीं कई
क्षेत्रों में के लिए, राजाओं के लिए, कई क्षेत्रों में लोगों के लिए, वहाँ निवास करने वाले लोगों के लिए भारी रहेगा। तो आप अपने विशेष तौर पर कुछ उपाय अवश्य करने का प्रयास करें जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कन्या राशि वालों, अभी आपने समझा कि ग्रहण का प्रभाव किस प्रकार का है, आप समझ लीजिए 19 तारीख का राशिफल आपके लिए क्या कुछ योग लेके आ रहा है। तो 19 तारीख वाले दिन विशेष तौर पर अश्विन मास जो आरंभ हो रहा है प्रतिपदा तिथि के बाद, उस दिन द्वितीया तिथि या प्रतिपदा क्षय हो गई थी, तो द्वितीया तिथि शुद्ध रूप से विराजमान है। द्वितीया का श्राद्ध इसी दिन किया जाएगा, बृहस्पतिवार का अवसर है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि समझें तो आपके लिए समय शक्ति से परिपूर्ण दिखाई देता है, हिम्मत अच्छी रहेगी। बस झगड़ा मत कीजिएगा, बस इस बात ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य लग्न में चल रहे हैं और अननेसेसरी आप लोगों को प्रवोक कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी का प्रवोक जो है वो कहीं ना कहीं अशांत कर सकता है, स्थितियों को बिगाड़ सकता है। तो ऐसे में एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, केसर का सेवन अपने सुबह सुबह कर लीजिए, केसर का तिलक लगा लीजिए, गुरुजन का आशीर्वाद ले लीजिए या हल्दी का टीका लगा लीजिए, जो भी आपके लिए पास व्यवस्था हो उसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 20 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि उस दिन विद्यमान रहेगी। सुबह सुबह चंद्रमा परिवर्तन की तरफ करते हुए मेष राशि में प्रवेश करेंगे और ये मेष राशि में प्रवेश कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा बंधन, थोड़ा सा काम करने में मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा ऐसा बंधाव बंधा लगेगा, कार्य खुलकर करने में दिक्कत आती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में भद्रा का योग भी है, नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। करीब करीब 10:57 पर यह भद्रा आरंभ होगी और रात्रि में करीब करीब 9:15 तक चलेगी। तो ऐसे में तृतीया का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। क्या उपाय करना चाहिए, गौ सेवा से श्रेष्ठ उपाय क्या हो सकता है, तुला आपके लिए कन्या पूजन भी कर सकते हैं, ये बहुत सुंदर उपाय हम बता रहे हैं। कन्या पूजन करना और गौ पूजन करना ये सब आपके लिए अच्छा है। कुछ हलवा पूरी इत्यादि या कुछ भी सामान, बिस्कुट ले लीजिए, ब्रेड ले लीजिए, कुछ कपड़ा ले लीजिए, किसी कन्या को, छोटी कन्या को उनका आशीर्वाद देते हुए दान करने का प्रयास कीजिए, देखिए परिवर्तन का योग बनेगा। इसके साथ साथ महालक्ष्मी व्रत चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं, इनमें कुछ खास उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, वो सब हम आपको पूर्व विधान के साथ समझाने का प्रयास करते हैं। समझिए और करिए, इन दिनों का लाभ लेने का प्रयास कीजिए। तो इन दिनों महालक्ष्मी के जो व्रत चल रहे हैं वो अपने आप में बड़े अद्भुत हैं। कहा जाता है कि इन महालक्ष्मी के व्रतों में जो भगवती महालक्ष्मी की आराधना कर लेता है, लेकिन एक बात समझें, केवल व्रत नहीं है, विधान है पूरा। श्री सूक्त के अंदर भगवती को, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, जिसको महालक्ष्मी उपनिषद के अंतर्गत भगवती की आराधना करने का ऋग्वेद के अंदर बताया गया है, वह 16 मंत्र 16 विधियां उपस्थित की गई है। बड़ी श्रद्धा के साथ यदि इन 16 दिनों में आप भगवती महालक्ष्मी की आराधना, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि जो महालक्ष्मी के व्रत आरंभ होते हैं, आमतौर पर ये कृत्य तो बहुत सारे कर लेते हैं, व्रत कर लेंगे और पता नहीं 16 जो गांठों वाली माला भी धारण कर लेंगे, लेकिन जो वास्तविक विधि है मंत्र जप और यज्ञ भगवती की प्रसन्नता के लिए, वो नहीं हो पाता है। और हम सत्य माने आपको हम बताएं कि अद्भुत है महालक्ष्मी की जो व्रत है। कहा जाता है कि महालक्ष्मी के व्रत इन 16 दिनों में जो करते हैं और श्री सूक्त का पाठ नित्य प्रति करते हैं, भगवती महालक्ष्मी उन पर अद्भुत कृपा करती हैं, प्रसन्न करती हैं। शास्त्र में कथा आई है, आपने भगवान विष्णु की मूर्ति देखी होगी, भगवान विष्णु की मूर्ति, जितनी भी मूर्ति देखी जाती है उनके अंदर उनके हृदय पर एक भृगु पद चिन्ह उपस्थित होता है, यानी महाराज भृगु का पैर का चिन्ह भगवान विष्णु की छाती पर उपस्थित होता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु एक बार शेष विश्राम कर रहे थे, शेषैया पर विश्राम करते हुए महाराज भृगु वहाँ पहुँचे और भृगु महाराज की इच्छा थी भगवान के दर्शन करें। भक्त की इच्छा यदि भगवान के प्रति दर्शन करने की हो और भगवान के दर्शन ऐसे कैसे हो सकता है उनको ना हो, तो कहा जाता है महाराज भृगु पहुँचे जब क्षीर सागर के अंदर, तो भगवान विष्णु शेषैया पर विश्राम कर रहे थे। जब भृगु के पहुँचने पर भगवान उठे नहीं तो भृगु बड़े रुष्ट हुए, बोले महाराज लगा कि भक्त आया, भगवान विश्राम कर रहे हैं, भगवान योग निद्रा में थे। और कहा जाता है कि योग निद्रा वो चीज़ है कि जिससे निकलने के लिए भगवती स्वयं प्रेरणा देती हैं भगवान को, उनके नेत्रों में जाकर, तो उससे बाहर लाने के लिए भगवती की प्रेरणा उस वक्त थी नहीं। तो कहा जाता है भृगु ने, महाराज ने भगवान के हृदय पर आघात किया, पैर उनमें रखा छाती पर, भगवान तत्काल उठे और महाराज आप मेरी दुष्टता क्षमा करें, महाराज भृगु आए और भक्त आए और भगवान सोते रहे। तो भगवान ने तत्काल महाराज भृगु को प्रसन्न किया और कहा महाराज मेरे लायक जो आज्ञा हो बताएं आप। तो भगवान भृगु महाराज के साथ जो भी वार्तालाप भगवान की हुई, लेकिन भगवती वहीं भगवान के पास विराजमान थी, उन्होंने महाराज भृगु से कहा कि महाराज भृगु आपने भगवान का अपमान किया और तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज के बाद मैं ब्राह्मणों के पास नहीं जाऊँगी, आपके पास नहीं जाऊँगी, आपके पास ऊपर हमारी कृपा नहीं होगी।
तो महाराज भृगु ने भगवती के समक्ष बड़े अनुग्रह विनिग्रह साथ प्रार्थना की कि माँ भगवती, ये तो मेरा और भगवान विष्णु का प्रेम था कि जिसको इस लीला के रूप में यहाँ उपस्थित किया गया, लेकिन आपने जो श्राप दिया मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं ऐसे मंत्रों का सृजन करता हूँ कि जो इन मंत्रों का जप करेगा, ब्राह्मण क्या कोई भी वर्ण का व्यक्ति उसको जप करेगा, आपको उनके पास जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये 16 जो दिन है उपासना करने के, उन्हीं मंत्रों की उपासना करने का दिन है। वो इस प्रकार से मंत्र हैं, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव ताम माव जातवेदो लक्ष्मी मर्मगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामेश्वरम पुरुषानम। ये 16 मंत्र हैं पूरी तरह से। यदि नित्य प्रति इनका इन 16 दिनों में जप किया जाए तो चमत्कार ऐसा हो नहीं सकता कि उपस्थित ना हो। हमने नित्य प्रति अपने विवेकानंद योगाश्रम में इन 16 दिवस में महायज्ञ महालक्ष्मी का रखा हुआ है। आप भी इसमें सम्मिलित होकर माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के लिए, जो कहते हैं ना कि भगवती कृपा प्राप्त नहीं होती, विधि नहीं जानते हैं। यदि विधि जाने तो माँ भगवती बाध्य हैं इन मंत्रों के माध्यम से कृपा करने के लिए। तो इसलिए यदि इन मंत्रों के उपस्थित होते हुए भी आज समाज कहे कि भगवत भगवान कृपा प्राप्त कर होती नहीं है, बिल्कुल होती है, करने वाले नहीं होते हैं। हमने हज़ारों लोगों पर, हज़ारों लोगों के माध्यम से हज़ारों बार इस प्रयोग को करके देखा है। भगवती महालक्ष्मी की अद्भुत कृपा प्राप्त करने का रास्ता अद्भुत रूप से बनता है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ इन महालक्ष्मी के व्रतों में भगवान भगवती की आराधना करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ श्राद्ध भी आरंभ हो रहे हैं। अभी बहुत श्राद्ध भी अद्भुत चीज है। हमारे जीवन में कर्मानुसार हमें कई प्रकार के कर्म करने होते हैं, कई प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, कई प्रकार के व्यक्तियों को कार्य करना होता है उन सबको निवृत्त करने के लिए। आमतौर पर लोग कह देते हैं पितृ दोष है आपकी कुंडली के अंदर। दोष नहीं होता, ऋण होता है। दोष नाम की चीज, पितृ दोष जैसी कोई चीज शायद, पितृ आप रुष्ट हो सकते हैं, पितरों से पितर आपसे रुष्ट कभी नहीं होंगे। हाँ, ऋण होता है जो आपने उतारा नहीं तो सिर पे चढ़ता जाता है भार, कर्म का भार जो चढ़ता जाता है, दुष्कर्म का भार चढ़ता जाता है, वो आपको परेशान करता है, कष्ट करता है। किसी के माता पिता किसी से रुष्ट कैसे हो सकते हैं? वो तो संसार के विपरीत जाने पर भी हमारे माता पिता हमसे कभी रुष्ट नहीं होंगे, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऋण आप नहीं उतारेंगे तो फिर वो आपको जो कहा जाता है चक्रवर्ती ब्याज के तौर पर परेशान करता रहेगा, इस बात का हमें समझना चाहिए। और निवृत्ति के लिए क्या रास्ता अपनाया जाए? अरे सबसे बढ़िया है श्राद्धों में अवश्य, बड़ी बड़ी अजीब अजीब परिपाटियाँ हैं, लोगों ने ऐसा व्यवस्था बना दी है कि श्राद्धों के अंदर किसको श्राद्ध करना चाहिए, अरे किसको नहीं श्राद्ध करना चाहिए। अरे हर व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या स्त्री क्या पुरुष। जी हाँ, आज तो बड़ी विचित्र व्यवस्था ही है बन गई है कि बड़े भाई साहब करेंगे, छोटे भाई करते ही नहीं है, या वो कर लेंगे हमने नहीं किया, स्त्री कहती है कि पुरुष कर लेंगे हमने नहीं किया। अरे शास्त्र, पिता माता जो पितर थे वो सबके हैं, ये सबको करने का अधिकार है, सबको करना चाहिए नित्य प्रति। और उसमें कोई बहुत बड़ी परिपाटी नहीं है, हजारों रुपए खर्च होंगे कुछ नहीं। श्रद्धा का समर्पण है, श्रद्धा श्राद्ध का मतलब ही श्रद्धा का समर्पण है, खाली श्राद्ध श्रद्धा से ही बना है ना, तो श्रद्धा का समर्पण है। आप केवल जल ही अर्पित कर देंगे तो उसी से पितरों की तर्पित हो जाती है, बस याद उनके निमित्त गायत्री जप करना, उनके निमित्त पितृ गायत्री का जप कर लेना, उनके निमित्त गायत्री मंत्र का पाठ कर लेना, उनके निमित्त जल चढ़ा देना, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दें, किसी गऊ का ग्रास निकाल दें, काक का ग्रास निकाल दें, चींटी के लिए ग्रास निकाल दें, और अमुक श्राद्ध तिथि में जिस दिन श्राद्ध आए तो अवश्य तर्पण कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सीधा साधा तरीका है, आप सब इस बात को माने। शास्त्र में अनेक प्रकार से इन समस्त बातों को बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या दी गई है, समझाया गया है, लेकिन कुछ तथाकथित लोग इसको प्रपंच के रूप में उपस्थित करते थे। हाँ, कुछ है भी स्थिति ऐसी कि आज समाज के अंदर कुछ प्रकार के ऐसा प्रपंच भी बन गया है कि जिसके अंदर उस पूर्ण संपूर्ण विधि को हटाकर कुछ ऐसी गलत बातें जोड़ दी गई हैं। अभी बहुत दिन पहले मैं किसी चैनल पर लाइव कार्यक्रम कर रहा था, उस व्यक्ति ने मुझे लाइव पूछा कि महाराज आप बताएं कि ये जरूरी है क्या इतने लोगों को भोजन कराया जाए, 100 लोगों को, 200 लोगों को, 400 लोगों को, पूरे उनके यहाँ परिपाटी थी गांव के, गांव लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था, 13वीं के भोजन पर इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। शास्त्र में तो ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि आप पूरे गाँव को भोजन कराएं। श्रद्धा के साथ अपनी सामर्थ्य को देखते हुए इस बात को कर्म को करने का प्रयास करना चाहिए। परिपाटी गलत कहाँ से आरंभ हुई कि किसी बड़े व्यक्ति ने भोजन कराया और आप जाके वहाँ भोजन करके आए और उसके बाद आपने उस समाज में अपनी नाक प्रतिष्ठा रखने के लिए, अपनी नाक को बड़ा करने के लिए कि उससे बड़ा परिपाटी मुझे करनी है, तो पितृ तो नहीं, शास्त्र तो नहीं कहता। तो शास्त्र को गलत तरह से इंटरप्रिटेशन करके कुछ लोग तथाकथित तौर पर उपस्थित करते हैं, लेकिन श्राद्ध में जो शास्त्र में जो बात की गई है, जो श्राद्ध तर्पण इत्यादि करने के लिए, वो उसमें तो केवल तिल चावल जौ और जल इसकी अपेक्षा है, और साथ में आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है।
तो इस बात को हम ध्यान रखते हुए करें, बहुत सीधी सादी विधि है, आप अवश्य करने का प्रयास करें। हमने कई बार अपने इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण विधि बताने का प्रयास किया है और उसको करेंगे तो इन श्राद्धों के दिनों में नित्य प्रति आप अवश्य, पता नहीं जिन जिन आपके पितर हैं जिनको आपको याद है उस दिन, तो कम से जिस तिथि पर उनका गमन हुआ है उस तिथि पर अवश्य किसी ब्राह्मण को बुलाकर व्यवस्था हो सके तो भोजन करा दीजिए, कुछ किसी को गरीब व्यक्ति को भोजन करा दीजिए, दो केले लेके दे दीजिए, गाय के हलिए हल्का सा दो फल ले जाकर खिला दीजिए, दो गुड़ की ढेली खिला दीजिए, तर्पण कर दीजिए अपने पितरों के निमित्त, बस इतना ही बहुत यदि कर सके, गायत्री का जप कर दीजिए। तो ये संपूर्ण व्यवस्था है हमारे आश्रम पर, हमने व्यवस्था करी है। आप यदि अपने घर पर नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से तो यहाँ पर तर्पण की, गायत्री यज्ञ की और जप इत्यादि की सबकी सुंदर, ब्राह्मण भोजन इत्यादि की सुंदर व्यवस्था है। आपके सामने नीचे सब स्क्रीन पर फोन नंबर चल रहे हैं, उन पर संपर्क साध कर आप समस्त इस विधि को जान सकते हैं और अपने लिए उस कार्य को करवाने के लिए भी यदि अपेक्षा, यदि कोई श्रद्धा से कार्य नहीं हो पा रहा है तो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो हमारे जीवन में अननेसेसरी कुछ ना कुछ कष्ट, कैसा न परेशानी चलती रहती है और हम समझ नहीं पाते हैं, और फिर किसी व्यक्ति के कारण से मनोमस्तिष्क में ऐसा भाव आ जाता है कि जब दुष्ट चल रहा होता है कि पितृदोष हो गया, पितृदोष नहीं है, पुनः कहेंगे हम पितृ ऋण हो जाता है। तो इसलिए श्राद्ध के समय पर इस सुंदर व्यवस्था को हम समझें, शास्त्र के अनुसार से जो बताया गया है उसको अवश्य करने का प्रयास करें, कष्टों को दूर करने के लिए अवश्य रास्ता बनेंगे। और हम जैसी व्यवस्था कर रहे हैं पूर्ण संपूर्ण श्राद्ध काल में, पूरे के पूरे जो श्राद्ध का समय चल रहा है उन दिनों में विशेष तौर पर आश्रम पर सुंदर व्यवस्था रहेगी। और श्राद्ध जो आरंभ हो रहे हैं वो 17 तारीख से आरंभ हो रहे हैं, 17 सितंबर से लेकर आरंभ होंगे, तो उस पूरे के पूरे इन 16 दिनों में आश्रम पर सुंदर यज्ञ गायत्री का ही है रहेगा और साथ साथ ब्राह्मण भोजन इत्यादि तर्पण की व्यवस्था भी रहेगी। आप अपने गोत्र के अनुसार से जानकर, विधि जानकर आश्रम से इन सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं।